मामले हुए हैं और इसमें 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 9 जून को रियासी के बाद 11 जून को कठुआ डोडा में हमला किया गया और कठुआ हमले में शामिल 2 आतंकी मारे गए, जिसमें से एक आतंकी के पास से 1 लाख रुपए कैश भी बरामद हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की पूरी प्लानिंग पीओके में बनाई गई थी और आतंकी हमले के बाद जेएनके के मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। घंटे में 3 जगहों पर पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया। रियासी, कठुआ और डोडा में आतंकियों ने नापाक हरकत की है। जिन्होंने जम्मू में खून बहाया है उन्हें एक एक कर जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। रियासी में आतंकियों को घेर लिया गया है और किसी भी वक्त उनके खात्मे की खबर आ सकती है, लेकिन पिछले 3 दिन में आतंकियों ने जिस तरह से जम्मू की 3 जगहों पर दहशतगर्दी की है वो बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है, क्योंकि खुफिया सूत्रों से लगातार खबरें आ रही हैं कि पीओके में पाकिस्तान ने आतंकी लॉन्च पैड से भारत पर बड़े हमले की प्लानिंग की। पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हीरानगर के सैदा सुखल गांव में 2 आतंकियों ने घरों का दरवाजा खटखटाकर पानी मांगा। ग्रामीणों को शक हुआ तो दरवाजा बंद कर शोर मचाया, लेकिन आतंकियों ने फायरिंग की। आतंकियों से निपटने के लिए डीआईजी और एसएसपी पहुंचे तो एक आतंकी ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग की और भागने की कोशिश की, लेकिन दोनों आतंकियों को तलाश कर जहन्नुम पहुँचा दिया गया। कठुआ में मारे गए आतंकियों के पास से बरामद सामान की एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 इंडिया को मिली है। इस तस्वीर में खाने पीने का पूरा सामान नजर आ रहा है। आतंकियों के पास दवाइयां, पेन किलर, ड्राई फ्रूट्स, चने, चॉकलेट बार, हैंडसेट, एंटीना, 1 लाख कैश, M4 कार्बाइन, AK-47 बरामद हुई। मतलब साफ है कि आतंकी लंबे समय तक यहां छिपे रहने और साजिश की प्लानिंग के लिए आए थे। 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और अभी सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है। ये नया इंफिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसमें कि जिस इस इलाके में आया है और ज्यादा आतंकवादियों के छिपे होने की भी संभावना है। तारीख 11 जून रात 1-2 बजे, जगह डोडा, जम्मू। आतंकियों ने पठानकोट हाईवे पर 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की जॉइंट चेक पोस्ट पर फायरिंग की। आतंकी हमले में 5 जवान और 1 स्पेशल पुलिस ऑफिसर घायल हुए। हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। डोडा और रियासी में हमला करने वाले आतंकियों की चप्पे चप्पे में तलाशी ली जा रही है। वहीं कठुआ आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ जवान को देश ने श्रद्धांजलि दी। इस बीच जम्मू के नौशेरा में कुछ संदिग्ध देखे गए, जिसके बाद गांव वालों ने सुरक्षा बलों को जानकारी दी। इसके बाद स्थानीय पुलिस और सेना ने नौशेरा में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। घाटी में 3 दिन में 3 आतंकी हमले महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकते। लोकसभा चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर में बंपर वोटिंग ने आतंकियों की नींद उड़ा दी है। उन्हें अपने वजूद और सपोर्ट बेस की चिंता होने लगी है। अब जल्द ही विधानसभा चुनाव की बात चल रही है। कुछ ही हफ्तों में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। ऐसे में इन हमलों के जरिए आतंकी दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं। शांति का माहौल इलेक्शन से पहले बना हुआ था, काफी दिनों से कोई घटना नहीं हो रही थी छोटी मोटी घटनाओं के अलावा। जब इलेक्शन में बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया और वोट किया तो हमारे पड़ोसी देश की नींद हराम हो गई। और जो लोग, जो ग्रुप सिर्फ इस बात का एजेंडा चलाते हैं कि भारत का विरोध कैसे किया जाए या भारत में अशांति कैसे पैदा की जाए, तो उन लोगों की सस्टेनेंस पे खतरा खड़ा।